बहराइच में तेंदुए के हमले से 13 लोग घायल हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने पीट पीट कर तेंदुओं को मार डाला। बहराइच प्रभागीय वनाधिकारी आकाशदीप पंधावन का कहना है कि एसटीपीसीएफ के जवान भी तेंदुए को पकड़ने में लगे हुए थे। दो हाथी दल भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया था और तेंदुओं को मार डाला था। बहराइच जंगल से भटक कर गाँव में पहुंचे तेंदुए ने हमला बोलकर 13 लोगों को घायल कर दिया था, जिससे आक्रोशित नागरिकों ने तेंदुए को लाठी से पीट पीट कर मार डाला था। मौके पर पहुंचे वनकर्मियों भी ग्रामीणों के आक्रोश के आगे बेबस रहे। बहराइच जिले के कटौतिया गांव में बुधवार सुबह 8 बजे कतनिया वन्यजीव प्रभाग से जंगल से भटक कर तेंदुआ बहराइच पहुंच गए। तेंदुए ने देखते ही देखते ग्रामीणों पर हमला शुरू कर दिया। शोर हल्का लगने पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने तेंदुए को हमला वार कर दिया और उसमें 13 लोग घायल हुए। खेत में भूसा भर रहे विश्राम जनक दुलारी रंजीत छोटई में हमले में हमला कर घायल कर दिया। शोर मचाते हुए हाहाकार लगाया, जिसे तेंदुए पर छोड़कर दूसरी तरफ की बढ़ा। तेंदुए गांव के चारों तरफ कुलचे भर रहा था, हमला करने लगा। 3 महिलाओं समेत 13 लोग घायल हुए थे। घायलों में 2 बालक भी थे शामिल थे। तेंदुए के हमले की सूचना पाकर वन क्षेत्र अधिकारी प्रमोद श्रीवास्तव आपस में रेंज वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उसे पकड़ने के लिए जाल लगाया, लेकिन तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। प्रभागीय वनाधिकारी आकाशदीप पंधावन का कहना है कि एसटीपीसीएफ के जवान भी तेंदुए को पकड़ने में लगे हुए थे। 2 हाथी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया था, तेंदुए को मार डाला था। सभी को चिन्हित किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कराई जाएगी। स्थित नियंत्रण से बाहर बुधवार सुबह मानव वन्यजीव संघर्ष के बाद ग्रामीण और वन कर्मियों में संघर्ष शुरू हो गया। वन कर्मियों ने ग्रामीणों की गिरफ्तारी शुरू की और ग्रामीणों ने वन कर्मियों से मारपीट की सूचना मिलने पर सुजौली मुर्तिया पर मोतीपुर थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर करीब 1000 लोग थे। क्षेत्रीय वन अधिकारी निशानगाड़ा ताराशंकर यादव और दरोगा कतनियाघाट के रेंज पवन कुमार शुक्ला को ईंट से मारा गया, जिससे वह घायल हो गए। वन चालक कमिलनीस एवं मनोज कुमार के संग बंधक बनाकर मारपीट की गई और वाहन को तोड़ फोड़ दिया गया। प्रभागीय वनाकार अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंच रहे हैं, उनकी प्राथमिकता नागरिकों के घेरे में फंसे हुए तकरीबन 40 वन कर्मियों को सुरक्षित निकालना है। राम सूरत बताइए, क्या मामला हुआ था, किस तरीके से तेंदुए ने हमला किया सुबह? तेंदुआ हम लोग सुबह सो के उठे कि तुरंत जैसे घर के बाहर निकले तेंदुआ वापस आया घर पे और जैसे हमारी बड़ी अम्मा इन पे हमला किया, फिर भैया पे, इनको बचाने में हम गए तो हमारे भी कर दिया। तो आपके अनुसार कितने लोग घायल हुए होंगे टोटल गाँव में? वही 13-14 लोग 15 लोग। अभी जब यहाँ से घर से निकला है गन्ने में गया, वहाँ 7-8 लोगों को घायल कर दिया है। अरे हमारा अन फिलहाल भंडारी जी, बताइए क्या हुआ था सुबह से यहाँ पर? सुबह हम अपने गेहूँ निकाले थे थ्रेसिंग से यहीं पे। हाँ यहीं पे, और गेहूँ निकल गया था, फिर सवेरा हो चुका था बिल्कुल 6 बजे के आसपास। हम गेहूँ ढोना शुरू कर रहे थे, देखो बोरी वो सामने पड़ी है और तब तक जो है तेंदुआ ना जाने की घर से आगे हम देख नहीं पाए और आके की सीधा हमला कर दिया, अटैक कर दिया। उसके बाद जो है कि हम लोग शोर मचाए तो यहाँ से भागा और इस बगल वाले घर में घुस गया। इस बगल वाले घर में जा करके एक महिला को फिर मतलब दबोच लिया, उसके बाद 2 बच्चे थे उनको भी मतलब जख्मी किया। कितने लोग जख्मी हो गए? जख्मी यहाँ लगभग 15 लोग 15 लोग हुए हैं, बच्चे से लेकर के महिला और पुरुष। नाम है आपका? लक्ष्मी। गाँव कठौतिया। कहाँ पर तेंदुआ ने आपके हमला किया था? तो कहाँ पर चोट लगी है? ये कंधे पे? दोनों कंधे। ठीक ठीक, और दूसरे वाले पे दिखाइएगा। अच्छा ठीक, ज़्यादा चोट आई है? कहाँ पर गई थी दिखाने? मेपुरा ब्लॉक गई थी।